तो अचानक पीछे से आवाज आई कि नाना का बर्थडे भी है। तो मैंने कहा यार नाना का आज बर्थडे, मम्मी सब जो है तो बोले हाँ। मतलब धीरे धीरे एकदम ये बात अफवाह की तरह फैल गई। तो मैंने कहा जब बर्थडे है तो फिर तो केक कटिंग होनी चाहिए नानू की। शुरुआत नानी की रही, ठीक है नानी शुरू करो 1 2 3। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत जल्दी है मुझे, क्योंकि हम आज जा रहे हैं बिगोद। मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि मेरे को बहुत डांटते अगर मैं गलत नाम ले लेती हूँ, तो जो कि है अंकित का ननियाल, पंजाबी में बोलो तो अंकित नान के। तो हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि नाना जी वहाँ चले गए हैं, तो एक बार हम वहाँ उनसे मिलने जा रहे हैं और प्लस एक धूप भी देनी है कहीं किसी जगह पे। सुबह के वैसे तो 8:30 बज रहे हैं लेकिन मेरे को फटाफट से करना है क्योंकि हमें जल्दी से निकलना है, हमें बहुत सारा काम है पूरे दिन में और फिर मेरे को और अंकित को हमें वापस भी आना है। और अभी मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। हम लोग जा रहे हैं, केविन को पता नहीं लेकिन जैसे इसको पता पड़ेगा एकदम एक्टिव हो जाएगा। चले माँ, ये देखो इसको, ये हीरोइन तैयार। सबसे ज्यादा टाइम किसने लगाया, एक तो इसने और एक मौसी ने। मौसी ने भी मोटर स्कूटी में चाबी लगा रही थी जब फोन किया था। अभी केविन सुबह सुबह मेरी चप्पल लेके चला गया था, जिसने ये चप्पल मेरी काट दी तो उसको ऐसे ही पहननी पड़ेगी। ओके मसा जी, ओके बाय बाय भाभी। क्या कह रहे हो, वापस बोलना, क्या बोल रहे हो? मौसी बोल रही है कि मौसा जी ने मना कर दिया था। एक्चुअली बात ऐसे है कि मैंने सुबह बताया नहीं, मौसी माँ ये दोनों बिगोद रुकेंगे कुछ दिन, 2-3 दिन रुकेंगे, है ना। दोनों बहनें अपने मायके जा रही हैं कुछ टाइम स्पेंड करने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों के साथ। मौसी बोल रही है कि मौसा जी ने सुबह मना कर दिया कि नहीं जाना 3-4 दिन के लिए। तो कैसे फिर अचानक से हाँ कैसे हुआ? फिर मेरा मूड बन गया। अच्छा इसने कुछ अपडेट दी है क्या? खत्म ऐसे हो गया जो ऐसे नहीं हुआ। नहीं नहीं ऐसे हो गया, यही है मस्ती। हां बना लिया 5 मिनट में कि चलना है तो चलना है। क्या हुआ ना कि जैसे कल मम्मी ने बोला था पापा को कि भाई मैंने वहाँ जाना है कि भाई नाना की एकदम तबीयत सही हुई है, पहले से थोड़ा बेटर है। सही तो क्या ही है, मतलब पहले से बेटर है। अब नाना सबको याद कर रहे थे कि सभी लोग आओ, मेरे परिवार को चाहते थे कि सभी साथ में रहें थोड़े दिन एक दिन। तो मम्मी का और मौसी का प्रोग्राम बना कि हम लोगों को वहीं रुकना है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि भाई अपने अपने श्रीमान जी से इजाजत की। तो दोनों ने कुछ जो श्रीमान अभी वीडियो बना रही है इस चीज का ध्यान रखे कि जो चीजें अभी श्रीमान जी कर रहे हैं वो इस ये वाली जनरेशन ना करे। मेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी हिम्मत। कल पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो थोड़े दिन बाद चले जाना। तो मम्मी बोले नहीं 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 मैं तो जाऊंगी, कल ही जाऊंगी। इतनी खुश है ना कि बस 20 बार ऐसे रिपीट कर जाए। मिलता नहीं ना सालों में कभी कभी मौका मिलता है ना ऐसा, तो इसलिए अब मम्मी का भाई यार। और मेरे को बोला जा रहा था कि मैंने लेट कराया। चलिए मैडम, चलो माँ खुश हो। और फिर मौसी आप तो 2 साल बाद आ रहे हो अपने मायके, कैसे लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप 2 साल बाद आ रहे हो, इंद्र देवता खुश हो गए, इसीलिए तो बारिश हो रही। तो पहुंच गए हैं माता जी के स्थान के, वहाँ पे सभी लोग अंदर चले गए। अरे अंदर घुस गए, हाथ में हिम्मत नहीं फोन उठाने की, हाथ इतना पेन कर रहा है लेकिन फिर भी स्टिल व्लॉगिंग कंटिन्यू। तो अब दो गोक दे दी है, अपन ने अपना काम निपट लिया है, अब लेडीज डिपार्टमेंट अंदर ही है, बातें चीतें कर रहे हैं, थोड़ा चाय कॉफी पी के आएंगे। बिगोद से आगे आता है मांडलगढ़, हम अभी हैं मांडलगढ़ में। अब जैसे ही वो सभी लोग आते हैं तो उसके बाद हम जाएंगे घर पे। बिगोद भूख लग रही है क्योंकि अभी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा मैं ओवर फैट बढ़ गया मेरा थोड़ा, तो मैं थोड़ा पतला होने के लिए डाइटिंग कर रहा हूँ। रास्ते में हम रुके हैं त्रिवेणी वाली नदी पे, त्रिवेणी की नदी पे। आप मेरे पीछे देख रहे होगे ये जो नदी बह रही है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मजा है। शिव जी का मंदिर है, त्रिवेणी नदी है, भारत में पहली त्रिवेणी है। तीनों नदियों का संगम है, संगम स्थल भोलेनाथ का स्थान है, तीर्थ स्थल। ये धर्मशाला सब पानी में हो जाती है इधर। हाँ, माँ बोल रही है बारिश आएगी तो मंदिर के ऊपर तक पानी। हाँ, ये मंदिर ही नहीं दिखेगा। अभी ये जो ये है और उधर जो होटले वोटले सब डूब जाती है, मतलब जब उस लेवल का पानी पड़ता है। आजकल तो हालांकि अभी तक तो इतना नहीं भर रहा है क्योंकि इतनी बरसात हो नहीं रही है अभी। हालांकि अभी छींटे वीटे भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के छींटे वीटे आ रहे हैं। ये यात्रा जा रही है,
ऐसा लगता है कि पानी के साथ चल रहे हैं। मुझे पानी मतलब वाटर का फोबिया है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं शायद। मुझे बहुत डर लगता है ऊपर से पानी देखना, मुझे ऐसे लगता है कोई धक्का मार देगा। ऐसी किस्मत कहाँ ये नीचे कितना गहरा है, ये काई है बाहर। अभी पानी इतना लेवल पे नहीं आया ना, अभी जब नई नई बरसात है। ये जो काई दिख रही है ना नीचे, वो जमीन है। हम एक और जगह चलेंगे, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस है, मिनाल। मिनाल वो तो बरसात में चलेंगे, बरसात में ना वहाँ पे झरना बहता है, बहुत बढ़िया। तो बिगोद बेसिकली फेमस है क्योंकि यहाँ पे लोहे का स्टील का काम बहुत ज्यादा होता है, और पूरे जगह पे हर जगह पे बिगोद का नाम बहुत होता है, क्योंकि चाहे लोहे के पानी के टैंकर हो, चाहे लोहे के कितने भी तरह के किसी भी तरह के ड्रम ड्रम हो, जैसे आप पीछे देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आ गए हैं अपन गोद घर पे, दरवाजा कर लिया जाए बंद। हाँ उस्ताद, सुबह हो रही है अभी तक, कहाँ है, हो गया सब, सब हो गया। क्या हाल हीरोइन नानी, धोक दूँ, धोक दूँ हमेशा। हम आ गए आपसे मिलने के लिए। अब तबीयत कैसे है आपकी? तबीयत ठीक है अब? हाँ, भगवान। क्या नाम है आपका? आरव। आप लोग देखते हो ना, अच्छे लगते हैं। अब आप भी आओगे देखना व्लॉग में, है ना? बढ़िया। अब यहाँ पे आते बरसात आ गई। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये नाना की जवानी की फोटोज। ये रे नानू। अभी भैया के पास एक बहुत ही अच्छी स्पेशल, क्या कहते हैं उसको, चीज है। चीज थोड़ी होती है, ये देखो भैया ऐसे कर लेते हैं, सारी उंगलियों को ऐसे कर लेते हैं। ये उंगली देखना, ये भैया की बिल्कुल यहाँ है। दर्द नहीं होता भैया? ओ अरे, और वाह यार, आपके पास तो टैलेंट है, आप तो सुपर हीरो हो गए, है ना? अब ऐसे युवराज भी उंगली लगाएगा अपनी। लगा ना, पूरी लगा। बस इतनी सी गुड़िया फ्रेशली तोड़े हुए, ये फ्रेशली पेड़ से तोड़े हुए नींबू है, कैरी भी चढ़ता है। ये सब ब्लॉग में आने के लिए ऊंदरे बन जाएंगे अभी। जिसको भी केरी खानी है वो बिगोद में नंदराय चौराहे के वहाँ चांदमल जी व्यास का घर है, वहाँ आ सकता है। एक बार ना इस केरी का फोटो अखबार में आया था, जब आप इसको है ना ऐसे करोगे तो आपके ऊपर बारिश आएगी। तो अब जैसे बरसात आई हुई तो लाइट चली गई है ना नानी। तो अब ये है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, इसे कहते हैं बींजली। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, पंखी भी कहते हैं इसे। इससे हवा आती है, बढ़िया ठंडी ठंडी ठंडी। इधर नानू बैठे हैं, इधर मौसी बैठी है, इधर मैं बैठा हूँ, और इधर नानी बैठी है। ये बीच में घूम रही है, सबके हवा आ रही है। ये खाना तो ऐसा लग रहा है, खाना तो टीचर है ऊपर नीचे क्लास दे रहे हैं सबको। यहाँ क्या, आप इधर जाओ, इधर और बढ़िया खुशबू आएगी। अभी यहाँ पे आपको धमकी चल रही थी। किस चीज की धमकी चल रही? हाँ, ब्लैक पैंट लेके दोगे तो बिल्कुल बाड़ा जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बढ़ने नहीं जाऊंगी। धमकी क्यों, ब्लैक पैंट में ऐसा क्या है? मेरी ले जाना। हाँ ये इसके, ये ले जाना, ये नहीं नहीं मेरे पेंट है जो ले जाना। मैं दाल पल्ला खाता नहीं, लेकिन मैं पूरी खा गया, सारी खा गया, बहुत बढ़िया दाल पल्ला, इतनी बढ़िया बनी मम्मी साहब ने, स्वाद तो जगह आई। और अब यही बात आप दोनों आंखें खोल के बोल रहे हो, दोनों आंखें खोल के बोल रहे हो, बोलो तो तीसरी आँख भी खोल दूँ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मामी साहब को बोलो, मामा को बुलाओ, कहाँ है सब? शुरुआत नानी की रही। ठीक है नानी शुरू करो, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे बोलो, बोलो गाओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कहाँ पे मिलता है यहाँ पे केक? और मम्मी बर्थडे पार्टी दे रही है। जो भी पसंद है ले आओ। मिसेज नाना, हैप्पी बर्थडे नाना स्लैश दादू, दोनों लिखा दो। हाँ हाँ ठीक है,
कंधा आवाज निकल ही नहीं रही थी रबज खुल गई भाई यहाँ पे आ गई है ना नहीं तो अब सडनली प्रोग्राम बना, पहले पता भी नहीं था कि मेरे को तो पता भी नहीं था कि मुझे पता भी नहीं था कि नानू का आज बर्थडे और आज फादर्स डे भी है, तो सडनली सभी विश कर रहे थे कि हैप्पी फादर्स डे, मम्मी बोल रहे थे कि मेरे स्टेटस लगा फादर्स डे का, तो अचानक पीछे से आवाज आई कि नाना का बर्थडे भी है, तो मेरे को यार नाना का आज बर्थडे, मम्मी सब जो है जो बोले हाँ, मतलब धीरे धीरे एकदम ये बात अफवाह की तरह फैल गई, तो मैंने कहा जब बर्थडे है तो फिर तो केक कटिंग होनी चाहिए नानू की। नानू का जन्म हुआ था 1946 में, जब देश आजाद होने ही वाला था, देश आजाद होने के 6 महीने पहले, और जैसे नाना हुए और देश आजाद हो गया, क्या बात है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई। ये ना तो एन पूरा है ना एच पूरा, आधे एच लग रहे हैं। नानू ने नीचे उतार दी तो ये दादू वाली पार्टी गई थी ना, ये दादू वाली पार्टी गई थी, नहीं नहीं अपने साथ धोखा हुआ, उसे मेरे भी नजर है धोखे बाद दादू से निकलवा के नानू है। चलो ठीक है, बर्थडे बॉय को तो बुलाओ, हाँ पहले ये ऐसे ही थे, अभी तैयार हुई है, लो दो तीन बार तो केक की पोजीशन चेंज हो गए हमारे क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी। ओ रेडी रेडी, तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बर्थडे बॉय, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सब, तालियां। हाँ मुंह दूर रखना बस, ये पटाखा है। हाँ कान के बंद कर रखा, कान से हाथ हटाओ, हटा दो हटा दो, केक काटने की सिर्फ फॉर्मेलिटी की, कोई खा नहीं रहा, सब भी ऐसा खींचा रहा था, फोटो खींच ले बस देखो इधर देखो, हाँ केक काटते ही देखो बरसात आ गई किसका? ये और यार ये तो केक में भर गया। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, हम लोगों ने निकलना है वापस अभी भीलवाड़ा घर पे, मौसम ज्यादा जल्दी खराब हो से पहले हम लोग घर पे पहुंच जाते हैं। मम्मी को यहीं पे हम छोड़ के जा रहे हैं, मम्मी को देखो एंजॉय कॉफी पी रही, मस्त मस्त क्यों नहीं होगी, पियर में आके तो सब मस्त ही मम्मी। अब आप यही हम जाए, ये मैं आपको सीन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बादल जो चलते हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जूम आउट में देखो आपको अच्छे लगेंगे। नींद आवे वह ठीक है। अब मैं सोच रहा था घर पे जाके हम लोग व्लॉग एंड करेंगे, तो हम व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो मम्मी कह रही मम्मी रो रही तो यहीं छोड़ आ रहे, तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को